हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो मैं वुडपिकर के टॉप 5 बेस्ट तरीके बताऊंगा जिससे तुम लोग का हेड शॉट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और ये जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो बाकी वन टैप गन्स में भी काम करेगा, मतलब जैसे ड्रैगन ऑफ ACAT ऐसे गन्स में। और इस वीडियो में जितने भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ सारे ट्रिक्स तुम लोग एकदम पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हो तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग को दूसरा कोई वन टैप वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में सारे ट्रिक्स कवर करने वाला हूँ जो अभी करंटली मतलब जिनकी वजह से वन टैप लगता है। जब तक कोई नया ट्रिक नहीं आता समझ लो कि यही सबसे बेस्ट वीडियो है, और अगर कोई नया ट्रिक आता है फ्यूचर में तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। बस एक ही चीज मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर। और गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो तुम लोगों को बहुत सारी चीजें मिस हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में जो 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं, और इस वीडियो में जो 5 ट्रिक बताने वाला हूं वो सभी ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लो कि गाड़ी के 4 पहिया, जैसे एक के बिना 3 का कोई काम नहीं है वैसा ही। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं रीजन नंबर 5 से। तो 5 नंबर पे हमने रखा है डिवाइस, क्योंकि गाइस जब भी हेडशॉट की या फिर मूवमेंट की आती है हम डिवाइस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये चीज तुम लोग को भी अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा डिवाइस का उतना ही अच्छे से फोन काम करेगा। पर गाइस ये हमेशा जरूरी नहीं कि जितना अच्छा डिवाइस होगा मतलब जितना महंगा डिवाइस होगा उतना ही सेंसिटिविटी अच्छा होगा। और इसका गाइस परफेक्ट एग्जांपल मैं हूं, यहां पे स्क्रीन पे जितने भी डिवाइस दिखाई दे रहे सभी डिवाइस मैंने यूज किया है, MI के और Realme का सिर्फ एक ही डिवाइस यूज किया, लेकिन मेरा Realme का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था, उसका सेंसिटिविटी बहुत अच्छा था और उसमें मेरा हेडशॉट रेट भी दूसरे डिवाइस के मुकाबले बहुत ज्यादा। देखो गाइस मैं ये नहीं कह रहा कि MI के सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये समझ सकते हो एक कंपनी का 4-5 डिवाइस यूज किया और दूसरे कंपनी का एक, लेकिन फिर भी मैं एक डिवाइस का तारीफ कर रहा हूँ, तो ये चीज तुम लोग समझ लो। तो डिवाइस तो तुम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये मुझे अच्छे से पता है। तो जो चीज आसानी से चेंज कर सकते हो उनके बारे में बात। तो अब बात करते हैं 4 नंबर रीजन के बारे में। तो तुम लोग को जब भी वन टैप गन मिलता है तुम लोग सीधा ऊपर की तरफ सिर्फ ड्रैग करते रहते हो, इसलिए तुम लोग का वन टैप नहीं लगता, इसलिए मैंने 4 नंबर रीजन तुम लोग को समझना जरूरी है। तो इसलिए 4 नंबर पॉइंट पे रखा है मैंने रेंज। तो रेंज गाइस 3 तरीके होते हैं, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज। तो मैं तुम लोग कुछ फोटो दिखाता हूँ जिससे तुम लोग बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो गाइस ये है शॉर्ट रेंज, और उसके बाद ये है देखो ये है मिड रेंज, और उसके बाद ये है लॉन्ग रेंज। फ्री फायर में रेंज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फ्री फायर में डिफॉल्ट एम काम करता है, तो डिफॉल्ट एम के हिसाब से तुम लोग एनिमी से जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ही कम डिफॉल्ट एम काम करेगा, उतना ज्यादा एनिमी के बॉडी पे शॉट कनेक्ट होगा। तो इसलिए तुम लोग को समझना पड़ेगा किस जगह पे रखने पर एनिमी को ये आसानी से हेडशॉट लगेगा, इसलिए 3 नंबर का रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 3 नंबर रीजन के बिना रेंज को समझ के कोई फायदा नहीं। तो नंबर 3 पॉइंट का नाम रखा है मैंने एम लॉक। तो गाइस जब भी एनिमी को वन टैप मारने का टाइम आता है रेंज के हिसाब से एनिमी के बॉडी पे कर्सर को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सही तरीके से कर्सर को नहीं रखेंगे तो एनिमी के बॉडी पे एम लॉक नहीं होगा या फिर पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, मतलब बॉडी पे एम लगेगा। तो चलो अब दिखाता हूँ तीनों सिचुएशन पे तुम लोग को, मतलब शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, ये तीनों सिचुएशन पे तुम लोग को कर्सर को एनिमी के किस जगह पे रखना। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट रेंज की। तो जब भी शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने का टाइम आता है वुड पिकर से तो तुम लोग को एनिमी के बॉडी पे ही एम नहीं रखना है, एनिमी के थोड़ा सा पैरों के साइड पे या फिर एकदम पैरों पे या फिर उससे भी नीचे तुम लोग को एम करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो शॉर्ट रेंज में डिफॉल्ट एम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसीलिए एनिमी के बॉडी पे एम लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से तुम लोग को हेडशॉट नहीं लगेगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम लोग कर्सर मतलब फायर एम बटन को बहुत फास्टली खींचो और एनिमी के बॉडी पे एम को ना रखो। तो अब बात करते हैं मिड रेंज की। बाकी दोनों रेंज के मुकाबले, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के मुकाबले, मिड रेंज में हम सभी का सबसे ज्यादा हेडशॉट लगता है और सबसे आसानी से हेडशॉट लगता है। यह तरीका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, इसलिए इस तरीके को ध्यान से सुनो। तो इसमें भी दो तरीके हैं, एक है एनिमी के बॉडी पे एम को रखो उसके बाद ड्रैग करो, या फिर एनिमी के बॉडी के आसपास एम को लेकर जाओ ताकि डिफॉल्ट एम काम कर पाए और ड्रैग कर दो सीधा। तो अब बात करते हैं 3rd नंबर रेंज की, मतलब लॉन्ग रेंज की। तो बाकी रेंज के मुकाबले लॉन्ग रेंज ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें डिफॉल्ट एम का रोल ना के बराबर हो जाता, क्योंकि एनिमी के बहुत ज्यादा दूर होते हो और इसीलिए डिफॉल्ट एम काम नहीं करता। तो इसका ट्रिक यह है कि एकदम सीधा तुम लोग को एनिमी के बॉडी पे एम को करना है, जब तक रेड नहीं होता तब तक तुम लोग को ड्रैग नहीं करना। तो रेड होने के बाद तुम लोग को ड्रैग कर देना है, लेकिन बहुत टाइम ड्रैग करने पर भी हेडशॉट नहीं लगता क्योंकि डिफॉल्ट एम मैंने जैसा कि बोला काम बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा समझ लो। तो इसीलिए तुम लोग को स्कोपिन ड्रैग मैं रेकमेंडेड करूंगा, जैसा मैं स्कोपिन ड्रैग मारता हूं जब भी एनिमी बहुत ज्यादा दूर होता है। बाकी तुम लोग ट्राई करो, खुद से ही ट्राई करो स्कोपिन ड्रैग या फिर स्कोप आउट ड्रैग, तो जो भी तुम लोग को ज्यादा आसान लगे या फिर आसानी से हेडशॉट लगे वो चीज तुम लोग यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो एमिंग सीखने के बाद भी हेडशॉट नहीं लगेगा क्योंकि जैसा कि मैंने इस एमिंग पे बोला कि डिफॉल्ट एम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें डिफॉल्ट एम को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि
हमारा एम ज्यादा लॉक हो और हेडशॉट ज्यादा लगे। तो इसलिए दो नंबर का रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दो नंबर पर रखा है मैंने सेंसिटिविटी। किसी भी डिवाइस का अच्छा या फिर बुरा सेंसिटिविटी का तीन कारण। पहला है प्रोसेसर जो तुम लोग के कंट्रोल में नहीं है, दूसरा डिवाइस की सेंसिटिविटी जो तुम लोग के कंट्रोल पे है, और तीसरा है गेम की सेंसिटिविटी जो भी तुम लोग के कंट्रोल पे। लगभग एक नंबर पे तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो दो नंबर और तीन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो दो नंबर पे है डिवाइस सेंसिटिविटी, और डिवाइस सेंसिटिविटी मेरा मतलब है डीपीआई। तो डीपीआई के बारे में भी आई थिंक तुम सभी को पता है डीपीआई क्या होता है। और अगर तुम लोग को डीपीआई के बारे में पता नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं डीपीआई के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अगर ज्यादा लोग को जरूरत पड़ेगी। और एकदम मतलब हमारे फ्री फायर में डीपीआई किस तरीके से वर्क करता है क्या कुछ। तो अब क्वेश्चन आता है कि डीपीआई कितना रखे। तो अगर तुम लोग का बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता तभी मैं डीपीआई रिकमेंड करूंगा कि डीपीआई रखो। तो अगर तुम लोग को डीपीआई रखना है तो जितना भी तुम लोग का करंटली डीपीआई है डिवाइस का उससे 100 रखना, मतलब उससे 100 ज्यादा रखना, उससे ज्यादा मत रखना। उससे ज्यादा रखोगे तो डिवाइस बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन तुम लोग का थोड़ा बहुत हेडशॉट लगता है तो 100 से कम ही रखना, मतलब 60, 70 या फिर 50, उससे ज्यादा मत रखना। तो बात समझ गए। अब बात करते हैं गेम के सेंसिटिविटी की। गेम में जनरल 90 से 100 के बीच में रखना है। बार बार रख के तुम लोग को देखना है किसमें ज्यादा हेडशॉट लगता है और फिर उतना ही रख देना है। और ये सब कुछ ठीक रखने के बाद भी तुम लोग का हेडशॉट नहीं लगता, ये सब कुछ जैसा मैंने बताया डिटो वैसा रखने के बाद भी अगर हेडशॉट नहीं लग रहा है तो तुम लोग का रीजन शायद एक नंबर रीजन हो सकता है। तो एक नंबर रीजन क्या है? तो एक नंबर रीजन पे मैंने रखा है फायर बटन साइज। फायर बटन साइज को बहुत सारे बंदे इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट शॉट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फायर बटन साइज कितना रखे। तो फायर बटन में फायर बटन का साइज को तुम लोग को 45 से 60 के बीच में ऊपर नीचे करके देखना है लगातार, मतलब 45 से धीरे धीरे ऊपर करो और ड्रैग मार के बार बार ट्राई करते रहो, और जिस रेंज में भी तुम लोग का हेडशॉट अच्छा लगे वो रख देना। तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। और लास्ट में जितने भी बंदे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोग के लिए एक बोनस टिप है कि मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि 50 से 55 के बीच में ज्यादातर बंदों का हेडशॉट लगता है, मतलब फायर बटन का साइज रखने पर। तो तुम लोग भी पहले 50 से 55 के बीच में ट्राई करके देख सकते हो। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके यूज करने के बाद तुम लोग अगर हेडशॉट अच्छा इंप्रूव हो जाए तो तुम लोग कमेंट में आके बस मुझे एक थैंक्स बोल देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कैसे चैनल पर नया आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलता है किसी और वीडियो में। बाय।